अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस के चैनल पर खुश आमदीद। मुस्लिम कमर्शियल बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर और कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर की पूरे पाकिस्तान में ज़बरदस्त वैकेंसीज अनाउंसमेंट हुई है। पाकिस्तान के आलमोस्ट तमाम बिग सिटीज़ पे ये अनाउंसमेंट हुई है। मेल फीमेल इस पर ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपकी एजुकेशन ग्रेजुएशन है और आपके पास एक्सपीरियंस है और या फिर आप फ्रेश हैं, तो आपके पास एक शानदार मौका है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल और आसान तरीका आपको शुरू में बताऊँगा। वीडियो एंड तक वॉच करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा मेरे चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन गाइडेंस विजिट कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी बैंक रिलेटेड फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जॉब्स भी अपलोड की हुई हैं, जिन पर अप्लाई करने का मुकम्मल और आसान तरीका मैंने डिटेल में बताया हुआ है। इन्हें भी आप ज़रूर वॉच करें। चलते हैं एमसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। आपने गूगल में सर्च करना है एमसीबी कैरियर्स, तो पहली वेबसाइट आपके सामने आएगी, इसे आपने ओपन कर लेना। इसमें दो पोस्टों के अनाउंसमेंट हुई है, रिलेशनशिप मैनेजर मल्टीपल सिटीज़ हैं, कस्टमर सर्विस ऑफिसर मल्टीपल सिटीज़ आलमोस्ट पाकिस्तान की तमाम बिग सिटीज़ में इसकी अनाउंसमेंट हुई है। एक और भी अनाउंसमेंट हुई है यूनिवर्सल सर्विसेज ऑफिसर और इसके अलावा ब्रांच मैनेजर। अच्छा, रिलेशनशिप मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम बिग सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 20 मार्च 2023 तक आप इसमें अप्लाई करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने, इसके अलावा आप देख लें इंडस्ट्री आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कैटेगरी आपकी परमानेंट है, जेंडर कोई भी नहीं है, नो प्रेफरेंस, मेल फीमेल दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री और ये जो पोस्ट है रिलेशनशिप मैनेजर की, ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, 1 से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कस्टमर सर्विस आप देख लें, ये सेम पाकिस्तान की तमाम बिग सिटीज़ हैं। 20 मार्च तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन अपनी देख लें, कैटेगरी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, क्लाइंट सर्विसेज एंड कस्टमर सर्विस सपोर्ट ऑफिसर इसकी कैटेगरी है, परमानेंट फुल टाइम, जेंडर मेल फील दोनों, बैचलर, करियर लेवल इस कंट्री का होगा और फ्रेश एक्सपीरियंस इस पर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना, ऐसा फॉर्म आपके सामने आएगा। अगर आप ऑलरेडी इस पर रजिस्टर हैं तो ठीक है, नहीं तो क्लिक हेट रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री की प्रोफेशनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप अपनी सारी एंटर करेंगे। यहाँ पर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में जो हाईएस्ट डिग्री आपके पास है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। डिग्री टाइप, टाइटल, मेजर सब्जेक्ट और इंस्टीट्यूशन आपने यहाँ पर मैंशन कर देना। अच्छा, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास बैंकिंग का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, तो अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आपको खुद बता रहा है कि आपने वहाँ पर इंडस्ट्री और कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करनी है। इंडस्ट्री आप देख लें, आपने प्रोफेशनल इंडस्ट्री में सेलेक्ट करना है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे फर्स्ट जॉब आपने बताएं, टोटल एक्सपीरियंस बताएं। फंक्शनल एरिया में आपने सेलेक्ट करना है अकाउंट फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। कैरियर लेवल आपका होगा एक्सपीरियंस का बेस का, अगर आप प्रोफेशनल बेस पर अप्लाई कर रहे हैं। जॉब टाइटल, पीरियड, कंपनी नेम, कंट्री, सिटी बताएंगे। यहाँ पर डिटेल सीवी एक अपलोड करके आई एम नॉट अबाउट पर क्लिक करें, सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर आप एज अ फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसका नो कर दें। यहाँ पे आपने सेम कैटेगरी में आपको दिखाता हूँ, इसकी जो कैटेगरी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है और कैटेगरी इसकी क्लाइंट सर्विसेज है, और उसका करियर लेवल एंट्री लेवल का होगा, ये भी ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट सर्विसेज का इस पर आपने क्लिक करना। अगर आप कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका जो करियर लेवल होगा एंट्री लेवल का होगा, सेम आपने सीवी अपलोड करके सबमिट के बटन में क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपने दोबारा साइन इन में आना, ईमेल और पासवर्ड आप अपना एंटर करके यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे तो ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। आपने डैशबोर्ड पे क्लिक करना, यहाँ पे अपनी एक डिटेल पिक्चर आपने अपलोड करनी है। प्रोफेशनल समरी कोई आपके पास है तो आप कुछ इसमें लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दें। एक्सपीरियंस आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी आपने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है साइन अप के टाइम। एजुकेशन अपनी यहाँ पे ऐड एंड अदर पे वन बाय वन आपने सारी अपनी एंटर करनी है, मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड तक। सीवी आप अपनी यहाँ एडिट भी कर सकते हैं, अदरवाइज सीवी आपकी सेम सी तैयार रहेगी। इधर माय जॉब पे क्लिक करना, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, रिलेशनशिप मैनेजर पे आप क्लिक करके अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे आपने अगेन क्लिक करना, यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी जो आपने साइन अप के टाइम एंटर की होगी। कोई आप एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एजुकेशन आपकी ये सारी यहाँ पर मेंशन है। अच्छा, यहाँ पे आपने सर्टिफिकेट अपना जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी थी वो आपने डिग्री यहाँ पे अटैच करनी है। इसके अलावा जी ये देख सकते हैं आप डिपार्टमेंट से कौन सा ग्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, OG1, OG2, OG3, APP, उसके से एक पे सेलेक्ट कर लें। एग्जिस्टिंग अगर तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है सेल्स एंड सर्विसेज का, इस पर क्लिक करें तो इसको नॉट अप्लीकेबल कर दें। अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास ठीक है तो येस करें तो इसको नो कर दें। अच्छा, मंथली आपकी सीवी अपलोड है, मंथली करंट सैलरी ऑलरेडी अगर जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको नॉट अप्लीकेबल कर दें। डिपार्टमेंट से आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर रीजन पे आप क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर रीजन पे क्लिक करेंगे यानी आपकी सिटी से अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद एक कवर लेटर यहाँ पे आप ऐड करेंगे। कवर लेटर पे मैंने एक सेपरेट डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वीडियो कैंड में भी दे दूँगा, तो वहाँ से आप सेम देख के यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं।
वहाँ पे अपनी पोस्ट का नाम मेंशन करके सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन पे तो आपकी ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, जो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी बैंक रिलेटेड फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जॉब अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत मुश्किल हो सके। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग में कोई इशू होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।